Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation with the shade of 228 and in the SPF 22 आप ये फाउंडेशन देख सकते हैं जिससे मैं ब्लेंड करने वाली हूँ अपने फेस पे एक साइड ब्यूटी ब्लेंडर से और दूसरे साइड ब्रश से. इन दोनों में क्या डिफरेंस है यानी किससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, फुल कवरेज देगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी. इस फाउंडेशन में आपको 40 शेड्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन एंड Maybelline सेज दैट इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन एंड इट्स लाइट वेटेड फाउंडेशन दैट मैटिफाइज द स्किन, रिफाइंस योर पोर्स एंड लीव्स अ नेचुरल सीमलेस फिनिश एंड इट्स ऑल्सो डर्मोटोलॉजी टेस्टेड. तो सबसे पहले मैं इसे लगाने से पहले अपने फेस से मॉइस्चराइजर को अप्लाई करूंगी क्योंकि हमेशा फाउंडेशन से पहले मॉइस्चराइजर प्राइमर मस्ट होता है. देन उसके बाद मैं इस Maybelline Fit Me फाउंडेशन को यूज करूंगी अपने फेस पे. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें SPF 22 है यानी ये आपके यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा, सन प्रोटेक्शन इसमें है बट बहुत ही ज्यादा नहीं है, कम क्वांटिटी में है, इसीलिए आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी जब भी इसे यूज करो दिन में तब. देन यहाँ पे देखो थोड़े से अमाउंट में मैंने अपने हाथ पे लिया एंड फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पे लगाऊंगी अच्छे से एंड मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे कि ये क्या आपकी स्किन में फुल कवरेज देगा यानी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा या नहीं, आपके फाइन लाइंस में जो भी दिखते हैं आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं इन सबको ये हाइड करता है या नहीं, ये आपकी स्किन में एक फ्लॉलेस एकदम बेस तैयार करता है या नहीं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ. मैं यहाँ पे ब्लेंड करूंगी इसे एक साइड ब्यूटी ब्लेंडर से एंड दूसरे साइड ब्रश से ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए. दोनों से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो मैं आपको शो करूंगी. सबसे पहले मैं यहाँ ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से. ब्रश से क्या होता है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, आपको फाउंडेशन की क्वांटिटी ज्यादा लगती है ब्रश से क्योंकि उसे स्प्रेड करना पड़ता है, खींच खींच के पूरे स्किन में लगाना पड़ता है एंड उसे इस तरह से इसे एब्जॉर्ब कराना पड़ता है हमारे स्किन में. एंड Maybelline Fit Me फाउंडेशन हैज मल्टीपल फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग मैट प्लस पोरलेस, डीवी प्लस स्मूथ एंड अदर्स एंड इट कैन गुड फॉर एवरी डे वियर बट सम सेज इट डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग. तो यही मैं चेक करूंगी यहाँ पे कि कुछ लोगों ने यही कहा है कि वेरी लास्ट लॉन्ग नहीं है. तो मैं यहाँ पे देखो ब्रश से इसे पूरा अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ. देन अब आती है हमारे ब्यूटी ब्लेंडर से. मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड आई अप्लाइड माइन विद माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई फाउंड इट रियली इजी टू अप्लाई and it soft really nicely on my skin and it wasn't too tacky but I did need to set it with a powder all the same. मैं यहाँ पे इन्हें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर चुकी हूँ बट मैं मुझे कॉम्पैक्ट से पाउडर से इसे सेट करना है थोड़ा सा जिससे कि मुझे थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो दिखे या नहीं, ये मैं यहाँ पे शो करूंगी. यहाँ पे देखो ब्यूटी ब्लेंडर से काफी अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है, बहुत ही पतला लेयर दिख रहा है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स कुछ भी नहीं है, अनइवन सा स्किन नहीं है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुका है ब्यूटी ब्लेंडर से एंड काफी अच्छा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है. एंड ब्रश के साइड आप देखोगे काफी ज्यादा मुझे थिक लेयर दिख रही है, बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है स्किन में, एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर प्रेफर करूंगी, ये बहुत ही अच्छे से इससे ब्लेंड हो गया है. देन गाइस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपने उसको सेट कर लूंगी अच्छे से क्योंकि जिनकी भी ऑयली स्किन है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करो जिससे कि आपका फाउंडेशन जो है बहुत ज्यादा पैची सा केकी सा नहीं होगा एंड बहुत ज्यादा ऑयली आपकी स्किन नहीं होगी. थोड़ा सा फाउंडेशन से के बाद कॉम्पैक्ट से अपनी स्किन को सेट कर लो, आपका जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्ट रहेगा एंड काफी देर तक आपकी स्किन टिका रहेगा. बट जिनकी ड्राई स्किन है वो थोड़ा अपने अंडर आईज के पास एंड थोड़ा सा नोज के आसपास आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट को जो है सेट कर लो अच्छे से ताकि आपकी भी जो स्किन है बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होगी एंड ये जो है आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग भी टिका रहेगा आपकी स्किन में एंड काफी अच्छा सा फुल कवरेज एंड फ्लॉलेस बेस तैयार हो जाएगा आपका. दिस फाउंडेशन इज अ ग्रेट ड्रग स्टोर ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स नेचुरल मीडियम कवरेज. आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल सा जैसे मैंने फाउंडेशन लगाया बहुत ज्यादा व्हाइट सा केकी सा नहीं लग रहा है. एंड गाइज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है बट एक बार फाउंडेशन में जाओ तो अच्छे फाउंडेशन ही यूज करो क्योंकि वो आपके मेकअप को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं एंड फाउंडेशन अगर आप गलत चूज करोगे एंड सस्ते एंड कम पैसों के चक्कर में आपने खराब फाउंडेशन अगर ले लिया तो इससे आपका मेकअप बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा. तो ये जो फाउंडेशन है वो हमें 599 यानी 600 रुपए में आपको ये मिलेगा. ये ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी परचेज कर सकते हो बट इससे छोटा भी आता है वो भी आप परचेज सकते हो, कई सेट्स में आते हैं, अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही चूज करना. ये 30 ml की बॉटल मुझे 599 रुपीज में मिली थी. फाइनली गाइज ओवरऑल आई वुड रिकमेंड इफ यू फाइंड द मैचिंग योर स्किन फाउंडेशन एंड गुड फाउंडेशन फॉर योर ऑयली स्किन विद इन अ स्मॉल बजट
Also, if you are starting makeup, then this is the good choice. You can buy it. बहुत ही ज्यादा अच्छा है. फ्लॉलेस स्किन आपकी लगेगी. इसको करने के बाद फुल मेकअप करोगी तो आपने मेरे वीडियोस में देख ही लिया होगा कि मैंने इसे लगाने के बाद कैसा था. देन एंड अगर ड्राई स्किन वाले भी फाउंडेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी. एंड अगर आपको अपने आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज करने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना, मैं ऐसी वीडियोज लेके आऊंगी जिससे आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपने फाउंडेशन को चूज कर सकते हो. देन गाइज, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो. इसे परचेज कर लो, बहुत ही अच्छा है. एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिव्यूज के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना. चलो, और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखना. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.